हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो बच्चों? तो आप सबको जिस न्यूज़ का बहुत इंतज़ार था, सभी लोग संशय में थे, सभी लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम 12th CBSE के 2021 के एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, परीक्षा केंद्र के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, पेपर कितने मिनट का होगा, पैटर्न क्या होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके चल रहे थे। बच्चे बहुत तनाव में हो रहे थे क्योंकि मेरे पास कई मैसेज और कई फ़ोन आते थे, पूछते थे बच्चे भी क्या करें सर, अब कैसे पढ़ें, क्या करें। तो बच्चों, हमें था इंतज़ार, वो न्यूज़ आ चुकी है और ये फैसला ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये फैसला ले लिया गया है कि CBSE एग्ज़ाम 2021 जो एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी हो गया था, परीक्षाएं कोविड संक्रमण को देखते हुए रोक दी गई थी क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, कोई संक्रमित नहीं हो जाए कोविड से, इसलिए परीक्षाएं रोक दी गई थी और उसकी नई तिथियों की घोषणा की जानकारी बाद में देने के लिए कहा गया था। अब अपने सब जगह पर इस तरह से संक्रमण फैला हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर जाना, वहाँ एग्ज़ाम देना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये फैसला ले लिया गया है कि CBSE एग्ज़ाम 2021 में क्लास 12th के एग्ज़ाम कैंसल्ड, अब एग्ज़ाम नहीं होंगे क्लास 12th के, CBSE 2021 के। क्लास 10th की न्यूज़ तो पहले ही आ चुकी थी, क्लास 10th के एग्ज़ाम तो पहले से कैंसिल कर दिए गए थे, अब 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अभी भी कुछ प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो देखो भाई, 10th के अंदर भी तो दिए जा रहे हैं, उसका भी एक पैटर्न बनाया गया है, इसी तरह से क्लास 12th के मार्क्स का भी एक पैटर्न बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उस पर चिंता नहीं करें, जैसे ही मेरे पास कोई न्यूज़ मिलेगी उसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो फिलहाल वो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका था इंतज़ार, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था, बच्चे सुबह से पूछ रहे थे सर क्या अपडेट आया है, क्या न्यूज़ आया। तो बच्चों, अब न्यूज़ मिल चुकी है, क्लास 12th एग्ज़ाम कैंसल्ड हो गए, CBSE एग्ज़ाम 2021 कैंसिल हुए हैं। ध्यान रखना, अब आपको इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम देने ही नहीं है, परीक्षाएँ रद्द हो चुकी है, CBSE एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th कैंसल्ड, और 10th के तो पहले ही कैंसिल हो गए थे। तो बच्चों, अब अपने आगे की तैयारी करो, जो JEE का एग्ज़ाम देना चाहते हो JEE की तैयारी करो, जो नीट का एग्ज़ाम दे नीट की तैयारी करो, और बाकी सारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन जारी रखो और अपने बिना तनाव के पढ़ाई जारी रखो। क्योंकि वो अभी देखो 12th का पैटर्न अलग होता है, कॉम्पिटिशन का पैटर्न अलग होता है। तो अब आप जैसे JEE का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करो। बच्चों, जैसी न्यूज़ CBSE की आई है इसके अनुसार अभी RBSE के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ आनी बाकी है, उसके बारे में फैसला अभी नहीं आया है। तो RBSE स्टूडेंट्स अभी न्यूज़ का इंतज़ार करें और लेने वाले फैसले का इंतज़ार करें। ये जो फैसला अभिभावकों और बच्चों की बिल्कुल उनको ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देखो संक्रमित होना कोई नहीं चाहता ना, अब एग्ज़ाम देने जाएं और संक्रमण हो जाए तो देखो फिर एग्ज़ाम कैसे, है ना, क्योंकि पहले जीवन बचाना और स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। धन्यवाद फैसला लेने वालों को, ऑल द बेस्ट बच्चों, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, जो JEE की तैयारी कर रहे हैं JEE मेन्स की या JEE एडवांस की वो अपनी तैयारी जारी रखो, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखो। अब क्लास 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, क्लास 12th के एग्ज़ाम की तैयारी अब आपको नहीं करनी है, और परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, क्लास 10th की पहले से रद्द हो चुकी है। ओके, थैंक यू बोलो एग्ज़ाम कैंसिल करने वालों को, बाय बाय बच्चों, ऑल दी बेस्ट।